ओम श्री गुरुबसवलिंगाय नमः। मानवार्पित महावीर बुद्धं मानवेयादिलक्षणं बसवरूपं बसवलिंगं मुंदे मुंदे जगत्पति सृष्टिकर्ता परमात्मा स्त्रीकुल उद्धारक दलितोद्धारक श्री गुरु बसवेश्वर जी को अपने हृदय मंदिर में ध्यान करते हुए घर घर बसो जयंती मन मन में बसो तक हो। ये जो 2020 का कैप्शन है, इस कैप्शन के माध्यम से जो दुनिया में जो बड़ी महामारी आई हुई है बीमारी, उस बीमारी को क्योंकि धर्म से पहले देश है, देश में अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के माध्यम से हम किसी महापुरुष की बसु जयंती महापुरुष की जयंती साजरी करने के लिए बाहर नहीं आ सकते। तब हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग सोशल बसु जयंती मनाएंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से बसु जयंती मनाएंगे। तब हमारे महाराष्ट्र के मित्रों ने, शरण भाइयों ने बहुत अच्छा जो एक कॉन्सेप्ट निकाला, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग प्रतिदिन एक एक विषय पर एक एक व्याख्यान लेते हैं। तो आज का दिन मेरे लिए व्याख्यान का दिन है और आज सही मायने में मैं खुद को बहुत धन्य समझता हूँ, क्योंकि जिन महापुरुषों के रास्ते पे हम लोग चलना चाह रहे हैं, जिन महापुरुषों का योगदान हम लोग याद करके जीवन जी रहे हैं, ऐसे महापुरुष में एक सबसे प्रथम महापुरुष जिसे बोला जाता है, उस महापुरुष का आज जन्मदिन है। आज महामानव समतावादी महात्मा गौतम बुद्ध का जन्मदिन है। सभी गौतम बुद्ध के अनुयायियों को, बसवेश्वर के अनुयायियों को, अंबेडकर के अनुयायियों को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन। क्यों हम बुद्धा बसवण्णा और अंबेडकर ऐसे बात कर रहे हैं? क्योंकि हमें हमारा इतिहास मालूम होना जरूरी है। जब तक हमें इतिहास की धरोहर मालूम नहीं होती, तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि भारतवर्ष में जो भारतीय संस्कृति को मूल शिव संस्कृति कहा जाता था, इस शिव संस्कृति में जो हमारा आदि पुरुष है शिव है, जैसे बसवण्णा के वचन में लिखा हुआ है कि शिव जिसके आदि पुरुष है, पुरातन जिसका परिवार, उस परिवार में जन्मा मादारा चन्नैया का मैं पुत्र हूँ। यानी हमारे पूर्वज जो थे शिव संस्कृति से थे, उसमें से हमको सीधा मालूम होता है। लेकिन हुआ क्या, शिव संस्कृति के बाद में, शिव संस्कृति मात्र सत्ता संस्कृति थी, क्योंकि आज आप देख रहे हैं आज के जीवन में किसी घर में अगर से किसी का अधिकार ज़्यादा चलता है, वो पुरुष का अधिकार चलता है, पुरुष सत्ता संस्कृति बोलते हैं इसे। ये हमारी संस्कृति नहीं थी, हमारी संस्कृति मातृसत्ता संस्कृति थी, शिव काल से मातृसत्ता संस्कृति थी। अगर आप उसका एक सादा सा उदाहरण देखेंगे कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो सिंधु संस्कृति बोला जाता है, सिंधु घाटी में जो हमारी संस्कृति मिली, उस संस्कृति में भी जो देवता मिली वो स्त्री देवता थी, सिंधु माता जिसे बोला जाता है, उसकी हम लोग पहले पूजा करते थे। हमारे घर में जो महिला है वो घर की प्रधान हुआ करती थी, क्योंकि उस टाइम में गण संस्कृति थी, हमारे पास में वर्ण व्यवस्था नहीं थी। लेकिन सनातन लोगों ने फिर से उस गण संस्कृति में वर्ण व्यवस्था लाके लोगों को चार वर्णों में बांट दिया। तो उस समय 2400 साल पहले महामानव गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित किया। उन्होंने अपने जीवन में लोगों को दुख से कैसे दूर रहना है, स्त्री पुरुष समानता स्वाभिमान, इन चीज़ों के ऊपर उन्होंने बहुत ध्यान दिया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, क्रांति प्रतिक्रांति होती रही। बुद्धा के बाद में फिर से सनातनी धर्म हावी हुआ, पुष्यमित्र सुंग ने बौद्ध लोगों की कत्ल करने शुरू कर दिए, बौद्ध विहार जलाए, बहुत से त्रिपिटक
ग्रंथ जलाए, फिर से सनातन धर्म हावी हुआ। तब कहीं जाकर 12वीं शताब्दी में फिर से श्रमिक लोगों का जो संस्कृति स्थापन करने के लिए गुरु बसवण्णा जी जी को आगे आना पड़ा। गुरु बसवण्णा जी ने 12वीं शताब्दी में आम लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, जो अन्यायित और शोषित लोग हैं, इन लोगों को जीवन में जीने के लिए अधिकार दिलाना, जीवन जीने की पर्याप्त पद्धति बताना, ये सब चीजों के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। बचपन से वो बहुत जिज्ञासु वृत्ति के थे। उस जिज्ञासा से उन्होंने, उनके मन में सवाल निर्माण होते थे कि ये करे तो क्यों है, ये ऐसा करे तो क्यों है। उस सवाल के जवाब माता पिता नहीं दे सकते थे, लेकिन उनकी जो बहन है अक्का नागाई, जो उनके हर जिज्ञासु सवाल का जवाब देते थे, यहीं से बसवण्णा के क्रांतिपूर्ण जीवन का प्रवास चालू हो गया। इस क्रांतिपूर्ण जीवन में उन्होंने हर तरीके से अक्का नागाई से मदद ले ली। बसवण्णा ने जो लिंगायत धर्म की जो बड़ी कल्पना रखी, इस कल्पना के पीछे बहुत बड़ा योगदान अक्का नागाई का है, बहुत बड़ा योगदान महिला का है। क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं एक यशस्वी पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ है, बिल्कुल। क्योंकि जब तक महिला हमारे पीछे हमें सपोर्ट में नहीं रहेंगे, तब तक हम जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। फिर वो महिला चाहे माता के रूप में हो, वो महिला चाहे बहन के रूप में हो, वो महिला चाहे बीवी के रूप में हो, या महिला चाहे बेटी के रूप में हो, कहीं ना कहीं वो लोग पुरुष के यशस्वता में अपना बहुत बड़ा हिस्सेदारी रखते हैं। तो वैसे ही 12वीं शताब्दी में जो बसवण्णा ने लिंगायत धर्म की स्थापना की, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, दासोह, ये चतुर्सूत्री के ऊपर उन्होंने लिंगायत धर्म की स्थापना की। इस चतुर्सूत्री में उन्होंने पहले जो दो कैप्शन रखे, वो था पहला स्वातंत्र्य। स्वातंत्र्य का मतलब सिर्फ किसी देश को आजादी मिलना ही स्वातंत्र्य नहीं होता। स्वातंत्र्य का मतलब होता है वहां का जो व्यक्ति है वो अपना सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, हर किसी दृष्टि से, स्वयं विचार से अपने जो विचार है उसको प्रकट करने का अधिकार हो, अपने जो धर्म है उसका पालन करने का उसे अधिकार हो, अपने धर्म के बारे में प्रचार करने का उसको अधिकार हो, धर्म के रीति रिवाज जो है उसे पालन करने का उसका अधिकार रहना चाहिए। ये सब चीज़ों को स्वातंत्र्य बोला जाता है। लेकिन 12वीं शताब्दी का जो समय था, उस टाइम में महिला को स्वातंत्र्य नहीं था। क्यों? क्योंकि उस टाइम में चातुर्वर्ण व्यवस्था थी। चातुर्वर्ण व्यवस्था में महिलाओं को उतने अधिकार नहीं दिए थे। महिलाओं को सिर्फ घर के काम, अपने बच्चे संभालना, इतना ही काम था उस टाइम में उनको। उनके ऊपर बहुत से धार्मिक संस्कार किए नहीं जाते थे। बसवण्णा के जीवन का एक पहला प्रसंग है जहां पर 8 साल होने के बाद में जनेवा धारण प्रोग्राम होता था। इस विधि में जब बसवण्णा को जनेवा धारण के लिए बिठाया गया, तो बसवण्णा जी ने पूछा कि आज ये जनेवा धारण प्रोग्राम क्या है। तब उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति जब एक उम्र में आता है तो उनको ये पहली जनेवा धारण संस्कार करना पड़ता है। तब उन्होंने बताया कि मेरी जो बड़ी बहन है वो मेरे से बड़ी है, जब तक उनको जनेवा धारण नहीं होता तो आप मुझे कैसे करोगे। तब बसवण्णा का जो सवाल है, वहाँ पे जो सनातनी लोग थे उनको पसंद नहीं आया। तब बसवण्णा के पिताजी ने समझाया कि नहीं, स्त्री ये जन्म से शूद्र होती है, तो उनके ऊपर ये संस्कार किए नहीं जाते, ये सिर्फ पुरुष के ऊपर किए जाते हैं। तब बसवण्णा जी को सवाल पड़ा, जिस माता के गर्भ से हम पैदा होते हैं, जिस स्त्री के पेट से हम पैदा होते हैं, हम आगे आकर उच्च बन गए और स्त्री शूद्र कैसे। तब उन्होंने बताया कि जब तक मेरे बहन को मैं जनेवा धारण नहीं होगा, तब तक हम वो जनेवा धारण नहीं करेंगे। तब सनातनी लोग, जो ब्राह्मण वंद लोग आए थे, वो लोग वहाँ पर उन्होंने
उनके ऊपर बहुत से क्रोधित हो गए, लेकिन बसवन्ना ने बताया, उनकी माता ने भी बहुत से समझाने के प्रयास किए, तब बसवन्ना माता जी को बताए, नहीं माँ, मैं चाहे घर छोड़ के जा सकता हूँ, लेकिन मैं ये जो स्त्रियों के ऊपर अत्याचार है उसे देख नहीं सकता हूँ। तब बसवन्ना जी घर छोड़ के कुड़ल संगम की ओर चले गए। तो स्वातंत्र्य और समता इस पद के लिए पहली जो क्रांति की ठिंगाई वहीं पर पड़ी। आगे जाकर बसवन्ना को उनके जो बड़ी बहन है अक्कर नायिका के साथ मिला, तो उन्होंने स्त्रियों के ऊपर होने वाले अत्याचार, स्त्री को जो नगण्य अधिकार थे, ये सब के बारे में उन्होंने बसवन्ना को सिखाना शुरू कर दिया। इसके माध्यम से बसवन्ना के अंदर में समता, स्वतंत्रता, ये भावना आना शुरू हो गई। तब उन्होंने लिंगायत धर्म की स्थापना की। लिंगायत धर्म का इतिहास बहुत है, मैं इतना बड़ा आदमी तो नहीं हूं जो पूरा इतिहास मैं बता सकता हूं, जस्ट थोड़ा सा मुझे नॉलेज है, मैं उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उतने बड़े ज़्यादा टॉपिक्स भी नहीं बता पाऊंगा, इसलिए मैंने एक छोटा सा आज के जो व्याख्यान में है मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिया है। इस टॉपिक में क्या है, बसवन्ना का जो समता आंदोलन है, इस आंदोलन में श्रेणियों का क्या सहभाग है, क्योंकि बसवन्ना ने जो अनुभव मंडप प्रस्थापित किया, आज भी अनुभव मंडप बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। आज भी अपने ही देश के लोग डेमोक्रेसी का जो फर्स्ट कंट्री, डेमोक्रेसी जहां पर आ गई उसका फर्स्ट कंट्री इंग्लैंड मानते हैं, लेकिन नहीं, इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा ने 13 सेंचुरी में डेमोक्रेसी स्टार्ट किया, ओके, लेकिन उसके 200 साल पहले 12वीं शताब्दी में महात्मा बसवन्ना जी ने भारत में कर्नाटक राज्य के कल्याण में अनुभव मंडप की स्थापना की। वहीं पर उन्होंने अनुभव मंडप यानी आज का संसद, आज का पार्लियामेंट, जहां पर स्त्री और पुरुष बैठकर सामाजिक विषयों पर चर्चा करते थे, हर विषय पर चर्चा करते थे, और हर विषय पर खुद के जो विचार प्रकट करने का अधिकार वहां पर स्त्रियों को था। उसी अनुभव मंडप में 770 शरणगण थे, उसी में कुछ महिला शरणियां भी थी। अनुभव मंडप में क्या किया जाता था, समाज के समस्याओं पर वहां पर डिस्कशन किया जाता था, और सर्वसहमति से एक प्रस्ताव पार किया जाता कि समाज में ये करना गलत है, ये करना सही है। उस प्रस्ताव को लिखित अक्षरों में लिखा जाता था, उसे कहते हैं वचन। तो समाज के जो भी सॉल्यूशन वो लिखते थे वचन, यानी इंसान जो जीवन जीता है उस जीवन का तरीका यानी वचन, तो उस जीवन जीने के तरीके को वचन के माध्यम से लिखा जाता था। तो ये अनुभव मंडप का वहां पर कार्य चलता था। तो उस अनुभव मंडप के कार्य में बहुत से महिला शरणियों का सहभाग रहता था। उसमें बसवन्ना की बहन अक्कर नागाई थी, बसवन्ना की विचार पत्री नीलांबिका थी, और कन्नड़ा की पहली कवित्री, सभी शरणियों की क्रांति भूषण वीर वैरागिणी अक्क महादेवी भी उसी अनुभव मंडप में थे, शरणी ऐदिक की लक्कमा उसी अनुभव मंडप में थे, शरणी कालव्य वहीं पर थे, शरणी सूढ़ी संकव्य बोला जाता है वो भी वहीं पर थे, शरणी बोंता देवी थी, ओरिसा से आई हुई सुज्ञाना देवी थी, शरणी सत्यका वहां पे थी, और दाम्पत्य जीवन में सबसे अहम रोल निभाना स्त्री का कार्य होता है। तो शरण दाम्पत्य में सबसे अच्छा जीवन जीने वाले शरणी दुग्गले शरण आद्य वचन का शरण दासी मैया की पत्नी भी वहीं पर थी, शरणी अमुगदेव की पत्नी रायम्मा वहीं पर थी, हड़पद अपना की पत्नी लिंगम्मा वहां पर थी, और शरण क्रांतिकारी हरलैया की पत्नी वहां पर वहीं पर थे। तो इन सब शरणियों ने लिंगायत धर्म में अपना अपना योगदान प्रदान किया हुआ, क्योंकि आज हम 12वीं शताब्दी, आज हम 20वीं शताब्दी में बोलते हैं कि स्त्री को समान अधिकार मिलना चाहिए, स्त्री को एजुकेशन मिलना चाहिए, स्त्री को अपने विचार प्रकट करने का स्वातंत्र्य होना चाहिए, कि ये सब कुछ तो 12वीं शताब्दी में दिया गया था। अनुभव मंडप में स्त्रियों को अपने विचार प्रकट करने का स्वातंत्र्य था,
उनको पढ़ने लिखने का स्वातंत्र्य था, इसीलिए तो कुछ शरणी लोग वहाँ पे अपने वचन लिख पाए, अपने वचनों की निर्मिति कर पाए। तो 900 साल पहले हमारी संस्कृति ने स्त्री को इतने समान अधिकार दिए थे, ये हमें हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। क्योंकि अगर से 12वीं शताब्दी में स्त्रियों को अगर से एजुकेशन का अधिकार ना होता तो क्या वचन लिख पाते, क्या इतना महान लिंगायत धर्म स्थापन हो पाता? नहीं। बसवाना ने इसी चीज को ध्यान में रखकर सभी महिलाओं को अनुभव मंडप में सदस्यता दी थी और उनको अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया था, उसके माध्यम से वो लोग अपने वचन लिखना शुरू कर दिए। तो इस शरण संकल्पना में स्त्री का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि आप लोगों ने जितना भी बसुचरित्र सुना है, बहुत से शरणों का आपने नाम सुना है, जैसे शून्य पीठाधीश अल्लम प्रभु, षटस्थल नानी चन्न बसुवन्ना, वीर गणाचारी मड़िवाला माचीदेवा और शरण अनुभव मंडप के तृतीय अध्यक्ष शरण सिद्ध रामेश्वरा। लेकिन महिलाओं का जो इतिहास है वो कभी भी उजाले में नहीं आया, वो कभी भी लोगों के सामने नहीं आया। तभी मेरे मन में एक विचार आया कि जब मेरा व्याख्यान है, बल्कि मालूम हुआ मेरे घर में पत्नी को, मेरी जो अर्धांगिनी है उसे, तो उन्होंने बताया अब किस विषय पे व्याख्यान कर रहे हैं। मैं बोला बसवाना का कार्य। तो बोला बसवाना का कार्य तो सब लोग बताते हैं, क्या किसी महिला का जो योगदान है क्या उसके ऊपर आप चर्चा नहीं कर सकते? वो मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने जो सुझाव दिया बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने पहले ही बताया था कि एक पुरुष के पीछे स्त्री का होना बहुत ज़रूरी है, वो समय समय पर अलग अलग रोल में हमारे साथ में अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने ये विषय लिया। तो इसमें जो बसवाना के जीवन में आंदोलन में पहली जो क्रांतिकारी महिला आई, उस महिला का नाम अक्का नागर, जो बसवाना की माता भी कह सकते हैं। क्योंकि बसवाना को बचपन से लेकर अभी तक जितने भी वैचारिक सांस्कृतिक जितने भी उनको शिक्षण दिया गया वो अक्का नागाई ने दिया। तो अक्का नागाई जब अनुभव मंडप में रहती थी तो अनुभव मंडप का पूरा कार्य वो दूर देखा करती थी, सब शरणों को समझाना, ये सब करना, क्या क्या करना है बसवाना को सब बताना अक्का नागाई करती थी। अक्का नागाई का जीवन यहीं पर समाप्त नहीं होता है, क्योंकि जब कल्याण में क्रांति हो गई, क्रांति होने के बाद बसवाना को हद भर की शिक्षा दी गई, तो बसवाना को कल्याण रातों रात कल्याण छोड़कर जाना पड़ा। कल्याण छोड़ के जाने के बाद में कल्याण क्रांति में वहाँ के जो शरण है हरड़ैया मधुवरसा और सीलबंद, इन लोगों को येड़भट्टे शिक्षा यानी उनकी आँखें फोड़कर हाथी के पैर को बांधकर मरने तक खींचने की शिक्षा, जब तक उनका प्राण त्याग नहीं होते तब तक उनको खींचा जाए, ऐसी शिक्षा तब दी गई। और उसके बाद में जो वचनों ने शरण साहित्य लिखा था, शरणों ने जो वचन साहित्य लिखा था उस वचन साहित्य को जलाने का और नष्ट करने का आदेश बिज्जल राजा ने दिया। तब उस वचन को वचन साहित्य, क्योंकि वचन साहित्य शरणों के प्राण थे। क्योंकि अगर हम लोग एक दिन जीना है तो कुछ खाना खा के जी सकते हैं, अगर हमको सालों साल पीढ़ी ना पीढ़ी जीना है तो हमारे पास में विचार होना ज़रूरी है। विचार ही वचन साहित्य है, कुछ वचन साहित्य के ऊपर 900 साल के बाद में भी हम लोग आज बात कर रहे हैं और अपना जीवन जी रहे हैं। तो चरणों के सामने सबसे बड़ा प्रण ये था कि कुछ वचन साहित्य को कैसे बचाया जाए। तब अक्का नागाई सबसे आगे आए, उन्होंने आकर चरणों की अलग अलग टुकड़ियाँ बना दी। उस टुकड़ी में एक टुकड़ी उर्वी की तरफ चले गई, जिसका नेतृत्व तो शरण उनके अक्का माधवी के अक्का नागाई के बेटे चन्न बसवाना जी के थे। उनके टुकड़ी में शरण वीर मड़ेवाला माचीदेव, दोहार कक्कैया, ऐसे महान शरण थे उसमें। तो वचन साहित्य का एक गट्टा लेकर शरण उर्वी की तरफ चले गए। एक वचन साहित्य एक गट जो है वचन साहित्य का गट्टा लेकर आंध्र प्रदेश की ओर चला गया।
ऐसे बहुत से वचन साहित्य जो जो भी है, अलग अलग शरणों की टुकड़ी अलग अलग एरिया में चली गई। उड़वी की तरफ जो जाने वाले वचन साहित्य का जो दल था, उस दल के ऊपर राजा बिज्जल का बेटा सोहदेव ने, क्योंकि राजा बिज्जल का जब कत्ल हुआ तो उसके बाद में उनका बेटा सोहदेव राजगद्दी पर आया, तो उन्होंने शरणों की कत्ल करने के लिए बहुत सी सेनाएं भेजी। तो ये सेना शरणों के मार्ग पर चल पड़ी, जहाँ जहाँ पर भी शरण, कल्याण में तो उस टाइम ऐसी परिस्थिति थी जहाँ पर भी विभूति दिखती थी या गले में लिंग दिखता था तो उनका सर धड़ से अलग किया जाता था, इतनी भयानक परिस्थिति वहाँ पर थी। तब शरणों ने अपने जान की परवाह ना करके वचन साहित्य को बचाने के लिए वचन साहित्य के गट्टे अपने सर के ऊपर लेकर उड़वी की तरफ चलना शुरू कर दिया। समय बहुत बिकट था, उस बिकट समय में सबसे आगे आकर ठहर गई तो अक्कन आ गई। वो तब बहुत वयस्क हो चुके थे, लेकिन अपने हाथ में तलवार लेकर कहीं जगह पर जब वचन साहित्य के ऊपर हमला हो गया तो उस हमले को प्रतिउत्तर देने का काम अक्कन नागाई ने किया। अक्कन नागाई सिर्फ एक वचनकारिता नहीं थी, साहसी वीर महिला थी जिन्होंने उस वचन साहित्य को आखिर तक, जब तक उड़वी तक वचन साहित्य ना पहुंचे तब तक उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे, क्योंकि बहुत से शरण लोग रास्ते में अपने वीरगति को प्राप्त हो गए। मड़ीवाल, माचीदेव, डोहर, कक्कैया, ये सब लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन अक्कन नागाई अंत तक, जब तक वचन साहित्य सुरक्षित ना हो, कन्नड़ में उड़सद बोला जाता है, तो जहाँ पर वचन साहित्य उड़ो अरे उड़वी अंत हसरो बिता, यानी जहाँ पर वचन साहित्य का संरक्षण जतन हुआ आखिर तक, उस गाँव का नाम उड़वी है। तो तब तक अक्कन नागाई ने अपने प्राणों का बलिदान देकर वचन साहित्य को उन्होंने ये किया। तो लिंगायत धर्म में सबसे पहली महिला जो है, पूज्यनीय महिला जिसे बोला जाता है या क्रांतिकारी महिला जिसे बोला जाता है, वो श्रेणी अक्कन नागाई, जिनका बहुत बड़ा योगदान था बसवन्ना के लिंगायत धर्म आंदोलन में। उसके बाद में बसवन्ना के जीवन में दूसरी जो बसवन्ना के आंदोलन समझिए या जीवन समझिए, उनके जीवन में या आंदोलन में दूसरी जो श्रेणी का सहभाग था वो उनकी विचार पत्नी नीलम्मा। नीलम्मा राजा बिज्जल की मानी हुई बहन थी, जिन्हें बिज्जल राजा ने बसवन्ना को देकर, बसवन्ना जी से उनका विवाह करा के अपनी जिम्मेदारी को पार किया था। अक्कन नीलम्मा, उन्होंने जो अपना जीवन है, क्योंकि समाज कार्य करना है तो भवी वस्त्र धारण करना जरूरी नहीं है, वो अपने सामाजिक जीवन में रह के भी भवी वस्त्र धारण करना जरूरी नहीं है, वो अपने सामाजिक जीवन में रह के भी समाज कार्य कर सकते हैं, वो उन्होंने बताया। और पति पत्नी पति के साथ में रहकर जीवन कार्य कैसा किया जाता है, उन्होंने एक बहुत मूर्तिमंत उदाहरण बोले तो अक्कन नीलम्मा, जो अनुभव मंडप में सभी आए हुए जो अतिथि लोग हैं उनका आदरतिथ्य करना, उनके भोजन की व्यवस्था करना, अनुभव मंडप का कार्य कैसा चल रहा है क्या नहीं है, ये सब चीज़ जो देखने का कार्य है अक्कन नीलम्मा करती थी। अक्कन नीलम्मा का जो जीवन है, कर्तव्य दक्ष था, बहुत कर्तव्य दक्ष था, वो अपने कर्तव्य के प्रति इतने निष्ठावान थी कि जब कल्याण क्रांति के बाद बसवन्ना हद्दपार हो गए, तड़ीपार हो गए, उनको हद्दपार कर दिया गया, जब वो कुड़ल संगम की ओर चले गए तो बसवन्ना के जो साथ में जो शरण गए थे, हड़पद अपना, आज हड़पद अपना की भी जयंती है, सभी को हड़पद अपना जयंती हार्दिक शुभकामनाएं। तो हड़पद अपना जी को बसवन्ना जी बोला कि जाकर आप नीलम्मा को लेके आओ। तब हड़पद अपना उड़वी कुड़ल संगम से फिर से कल्याण में आ गए, जहाँ पर बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा था। आके उन्होंने बसवन्ना जी का जो संदेश है अक्कन नीलम्मा को जब समझाया आने के लिए, तब नीलम्मा ने कितने वैचारिक थे वो बताइए, बोले उन्होंने नीलम्मा जी ने क्या बताया कि इल्लिल्लद संघवे अल्ले आते के, यानी जो संघ यहाँ पर नहीं है वो वहाँ पर क्यों चाहिए,
क्या मैं साथ में रहना जरूरी है क्या? एक महान व्यक्ति को यह संघ क्यों जरूरी है? वैचारिक संघ रहे तो बस है। तो देखो अपने पति के प्रति भी जब कर्तव्य से जो अगर हट रहे बोल के ऐसा लगता है तो जो एकदम धैर्यनिष्ठ होकर जो सुनाती है उन्हें विचार पत्नी कहा जाता है। फिर वो हड़पत अपाना के साथ में कुड़ल संगम चले गए, लेकिन कुड़ल संगम के नज़दीक में मलप्रभा नदी के इस तट के ऊपर ही उनको पता चला कि बसवना जी लिंगिया के हुए बोल के, तो उन्हीं के ध्यान में दूसरे तट पर शरण आकर नीलम्मा लिंगिया के हो गए। ये बसवना के जीवन क्रांति आंदोलन में द्वितीय श्रेणी द्वितीय महिला थी। उसके बाद में बसवाना के क्रांति आंदोलन में जो तीसरी महिला का नाम है वो है श्रेणी अक्का महादेवी, जिनको वीर वैरागिणी भी बोला जाता है। इनके ऊपर बसव तत्व का बसवाना के विचारों का इतना प्रभाव था कि बचपन में ही उन्होंने अपने जो परमात्मा है चंद्रमल्लिकार्जुन, जो उनका वचनांकित नाम है, उनको ही उन्होंने अपना पति मान लिया था। वो इतने सुंदर थे कि इनके ऊपर उस राज्य का जो राजा था, जैन राजा था, कौशिक राजा, उनकी नजर पड़ गई। तब उन्होंने उनके घर प्रस्ताव भेजा शादी करने के लिए। जब प्रस्ताव भेजने के बाद जब अक्का महादेवी ने इनकार कर दिया तो राजा ने अपने बल का और द्रव्य का प्रयोग करके उनके माँ बाप को सताना शुरू कर दिया। तब कहीं जाकर अक्का महादेवी ने शादी के लिए हाँ कर दिया, लेकिन उन्होंने कुछ उनके सामने शर्त और नियम रखे। शर्त ये थी कि जब तक वो ना चाहे तब तक राजा कौशिक उनके शरीर को हाथ ना लगाए। साथ में राजा कौशिक जो नृत्य देखना ये सब पसंद करता था वो छोड़ दे, और इनका जो भक्ति मार्ग था अक महादेवी का बसव तत्व का जो मार्ग था उस मार्ग में पूजा विधि में वो कभी आड़ ना आए। ऐसे सब नियमों के बाद में वो कौशिक राजा से विवाह के लिए सम्मति हो गई और विवाह हो गया। लेकिन अक महादेव की सौंदर्यता इतनी थी कि कौशिक राजा को रहा ना पाया। तब उन्होंने जब अक महादेवी पूजा में लीन थी उसी समय उन्होंने अक्का महादेवी का पल्लू पकड़ के खींचना शुरू कर दिया। तब क्रोध में आकर अक्का महादेवी ने उन्होंने बताया कि इस शरीर के ऊपर तुम्हारा है ही मोह क्या, बल्कि उन्होंने अपने पूरे वस्त्र निकाल के उनके सामने फेंक दिए। निर्वस्त्र अक्का महादेवी को देखकर कौशिक राजा संभ्रमित हो गया कि ये मैंने क्या गलत कर दिया, उसको अपने गलती का पश्चाताप हो गया। तब उन्होंने अक्का महादेवी को रहने के लिए बहुत सी विनंती की, लेकिन अक्का महादेवी वहाँ पर नहीं रही, उन्होंने राजगृह का त्याग कर दिया। त्याग करने के बाद निर्वस्त्र ही वो अपने गांव से उड़तुरी ग्राम से कल्याण के लिए चल पड़ी। 12वीं शताब्दी में एक यवन में आई हुई महिला, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, कोई वाहन नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, बिछाने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे समय में वो महिला कई मीलों का प्रवास करके कल्याण के लिए निकली, क्योंकि उसके मन में बसव तत्व और लिंगायत धर्म के प्रति बहुत बड़ी आस्था थी। कब जाकर हम लोग शरणों से मिले ये उनके मन में बहुत भावना थी। तो आज की जो महिलाएं हैं उनके ऊपर अक्का महादेवी का बहुत बड़ा प्रभाव और उनके जो विचार है बहुत आने चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस यवन अवस्था में भी कई मिलों का जो प्रवास करके बगैर किसी को डरे हुए वो पूरा कल्याण उड़तुर से कल्याण तक पहुंचे। जब उन्होंने कल्याण नगरी में आगमन किया तब उस समय में बंदोर ओनी के पास में अजगरना जाके उनसे मिले, क्योंकि कल्याण में कैसा होता था उस समय में कोई भी जब नया शरण आता था तो बंदोर ओनी के पास में ठहर के उनकी पहले परीक्षा ली जाती थी कि वो शरण बनने के योग है या नहीं है। तब अजगरना जी अक्का महादेवी से मिलने गए, तब उन्होंने बहुत से सवाल किए, लेकिन अक्का महादेवी इतने तेजस्वी और उनके पास में वचनों का जो भंडार था, ज्ञान का जो भंडार था, उस ज्ञान से उन्होंने उनके हर सवाल का इतना सीधे तरीके से जवाब दिया कि अजगरना अनुभव मंडप चले गए और जाके उन्होंने बसवन्ना जी को और अल्लम प्रभु जी को बताया कि
ऐसे उड़तुड़ी ग्राम से अक्का महादेवी आए हुए हैं और उनका स्वागत करना चाहिए। तो पूरा जो अनुभव मंडप के सदस्य है अक्के महादेवी स्वागत के लिए खड़े हो गए। जब महादेवी जब अनुभव मंडप में आ गई तो आने के बाद में महादेवी का जो पूर्वाश्रम में नाम था महादेवी, लेकिन अनुभव मंडप में आने के बाद उनको पहले जो नाम से बुलाया गया अक्का बोल के बसवनाथ जी ने उनको बुलाया, मेरी अक्का आई हुई है, अक्का महादेवी आई हुई है बोल के उन्होंने अपनी पत्नी को बताया और चंद्र बसवना को बताया, जाओ अक्का उड़तुड़ी से आई हुई है उनको लेके आओ अंदर। तब चन्न बसवन्ना और बसवन्ना पत्नी नीलम्मा जाकर अक्का महादेवी को अंदर लेके आए। लेकिन जब तक अनुभव मंडप के अध्यक्ष का वहाँ पर अनुमति नहीं मिलती तब तक वो ये नहीं कर सकते थे। तो जब भी अनुभव मंडप में आने के बाद में प्रभु देव जी के सामने उनके उनके उनकी परीक्षा लेनी शुरू हो गई। प्रभु देव जी ने उनके ऊपर बहुत से सवाल किए, उस सवाल का बहुत संयम से और अपने विशाल काय अभ्यास वृत्ति से उन्होंने बहुत अच्छे जवाब दे दिए। तब उन्होंने बताया कि आप ये निर्वस्त्र क्यों हो, तो उन्होंने बताया कि इस वस्त्र के ऊपर मेरा क्या मन है, जो भी है मेरा शरीर तो मेरा मन तो मल्लिकार्जुन के पास में है, ये तो शरीर मेरा नश्वर है, मैं तो वहां से यहां तक आई हूँ, उस शरीर का मुझे कोई ये नहीं है। तब अलम प्रभु जी ने बताया जब तुम्हारे को शरीर का ये नहीं है तो अपने बालों से तुमने अपना शरीर क्यों ढाका है। तब अक्का महादेवी ने जो उत्तर दिया बहुत ही मार्मिक और सोचने की बात है। अक्का महादेवी ने बताया इस शरीर के ऊपर मुझे तो मोह नहीं है, लेकिन यवन में आए हुए पुरुष ने अगर इस शरीर को देख लिया तो उसमें मोह प्राप्त होता है, उसको मोह आ जाएगा, वो मोह नहीं आना चाहिए बोल के हमने इस जो शरीर के जो अंग है कुछ उसको मैंने बालों से ढक लिया है। तो बस ऐसी महान अक्का महादेवी का अनुभव मंडप में आगमन हुआ, बहुत से शरण उनसे प्रोत्साहित हुए, उनके जो विचार थे रोज उनके विचार बहुत शरण लोग सुनते थे। अक्का महादेवी ने बहुत से वचन लिखे, उस उनके बहुत से वचन में से जो कुछ वचन है कर्नाटक सरकार ने अपने वचन संपुट में प्रकाशित किया हुआ है। अक्का महादेवी ने अपने जो वचन अंकित था चंद मल्लिकार्जुन देव उस नाम से उन्होंने अपने पूरे वचन लिखे। कुछ समय अनुभव मंडप में बिताने के बाद अक्का महादेवी जी ने बसवन्ना जी से और अध्यक्ष अलम प्रभु जी से तपस्या के लिए साधना के लिए आगे श्रीशल्य की तरफ जाने का आज्ञा ले ली और वो आगे श्रीशल्य आंध्र प्रदेश में श्रीशल्य के पास में कदलीवन बोल के है वहाँ पर कदलीवन में जाकर एक गुहा में अपनी तपस्या करते करते अपने अपना प्राण जो लिंगायत हो गए। आज भी वो जो कदलीवन है बहुत सुंदर प्लेस है, बहुत से लोग श्रीशल्य को जाते हैं, जो ज्योतिर्लिंग माना जाता है श्रीशल्य को जाते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कदलीवन कहाँ पर है। जब आप श्रीशल्य को जाते हैं वहाँ से दो मार्ग है, एक आप चल लेते जंगल के अंदर से जा सकते हैं, नहीं तो दूसरा मार्ग है श्रीशल्य मंदिर के पास से पाताल गंगा में जब आप उतरोगे तो पाताल गंगा में आपको बोटिंग की सुविधा है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से, एक घंटा बोटिंग में जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप कदलीवन के पास में जाते हैं। तो बहुत सुंदर प्लेस है, हर किसी को कदलीवन देखना चाहिए। तो इस तरह से अक्का महादेवी ने जो कन्नड़ा की पहली कवित्री मानी जाती है स्त्री कवित्री, उन्होंने अपना योगदान लिंगायत धर्म में बहुत दिया। उसके बाद में लिंगायत धर्म में चौथा योगदान जो माना जाता है शरणी लक्कम्मा, जिनको आईदिक की लक्कम्मा बोला जाता है, वो शरण दंपति थे आईदिक की माराया और लक्कम्मा, जो रायचूर डिस्ट्रिक्ट से अनुभव मंडप में आए हुए थे। उनमें उनके पति जो मारे गया है वो अपना कायिक जो है कल्याण में जो अनुभव मंडप में इधर उधर जो चावल गिरे हुए रहते थे उस चावल को जमा करने का काम आईरी की मारैया करते थे। मारैया की जो विचार पत्नी थी लक्कम्मा, जिनका जो पढ़ी लिखी ना होकर भी आज के जीवन में जो 21वीं शताब्दी में हम बोला जाता है हर किसी को प्रेरणा लिए जैसे उनका जीवन है, क्योंकि जब शरण दंपति लोग
अनुभव मंडप में अपना अपने विचार प्रकट करने जाया करते थे। एक दिन का ऐसा ही एक प्रसंग था जहाँ पर अनुभव मंडप में कायक के ऊपर डिस्कशन हो रहा था, क्योंकि कायक कवि कैलाश जो मंत्र दिया गया है, ये मंत्र का मूल जो है ऐदिकी के लक्कमा से शुरू होता है। तो जब ऐदिकी लक्कमा के पति जो मारैया है कायक के ऊपर जब ये दे रहे थे, कायक के ऊपर जब डिस्क्रिप्शन दे रहे थे, देते देते वो इतने मग्न हो गए कि वो अपना कायक करना भूल गए। तब हलूस बगैर डरे अपने पति को अपने कायक याद दिलाने का काम ऐदिकी लक्कमा ने किया। उन्होंने बोला, आप विचार में मग्न हो, सिर्फ कायक के बारे में बात करने से कुछ नहीं होगा, हमको कायक प्रत्यक्ष में करना होगा। तो ऐसा निर्भीड होकर सबके सामने अपने पति को अपने कायक का याद दिलाने वाली शरणी लक्कमा, वो अपने वचन में लिखती है, कायक का एक सुंदर डिस्क्रिप्शन लिखती है कि जब हम कायक करने में मग्न हो, जब हम कायक करने में मग्न हो तो गुरु गुरु के दर्शन हुए तो क्या, जंगम के दर्शन हुए तो क्या, जंगम आया हुआ देखकर भी आप अपना कायक ना छोड़ो, गुरु आया हुआ देखकर भी आप अपना कायक ना छोड़ो, क्योंकि कायक में समाविष्ट है मार प्रिय अमरेश्वर लिंग, क्योंकि अमरेश्वर लिंग जो है ये ऐदिकी लक्कमा का वचनांकित नाम है। उन्होंने बहुत सुंदर वचन लिखा है कायक के बारे में, कायक को उन्होंने वैल्यू दिया, क्योंकि दुनिया ने हर जगह पे अलग अलग चीजों को वैल्यू दिया उन्होंने, कोई शांति को वैल्यू दिया, कोई दया को वैल्यू दिया, कोई पूजा को वैल्यू दिया, किसी ने धारणा इसको वैल्यू दिया। लेकिन जब कायक ही ना हो जीवन में तो ये सब किस काम के। इसलिए 12वीं शताब्दी में शरण लोगों ने कायक को भगवान माना है, यहाँ कायक को उन्होंने बहुत अनन्य साधारण माना है यहाँ पर। तो कायक के ऊपर में उन्होंने बहुत सुंदर जो एक्सप्रेशन दिया। उसके बाद में क्या हुआ, जब दूसरा प्रसंग आया, ऐसे ही दूसरे दिन अनुभव मंडप में चर्चा चल रही थी, चर्चा चलते चलते बाजू में ऐदिकी मारैया जो है फिर अपना चावल जमा करने का काम किया करते थे। वो चावल जो जमा करके घर लाते थे उसका ही दासो हो करते थे, रोज जितना चाहिए उतना ही वो लोग उस टाइम में संपादन किया करते थे। जो एडिशनल धन या कुछ भी धान्य वो लोग अपने घर में संचित नहीं करते थे। ये उस टाइम का जो समाज जीने का तरीका था, आज जितना चाहिए उतना कमा खाओ, उसमें से कुछ बचा के दासो होकर, बचा के ना रखो, क्योंकि बचा के रखने के बाद इंसान में आशा निर्माण होती है, धन संचय करने की लोभ निर्माण होता है उसमें। तो तब जब ऐदिकी मारैया चावल जमा करते करते वो विचार में मग्न हो गए, तो कब उनको पता नहीं चला रोज जितना चावल जमा करते उससे ज़्यादा जमा करके घर को आ गए। जब घर आने के बाद में अंदर आने से पहले ऐदिकी लक्कमा ने देखा कि आज मारैया की जो पोटड़ी है कुछ बहुत बड़ी दिख रही है चावल की, तब वो बाहर आकर बोलती है, ऐसे कौन से विचार में आप मग्न थे जो आप कायक सही कर ना पाए, आप ये चावल ज्यादा क्यों उठा के लाए हो आज, रोज जितने लाते थे उतने नहीं लाए आप। तब ऐदिकी मारैया ने बताया, रहने दो, कल के दिन हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तब वो आपको क्या लगता है लक्कमा खामोश बैठे होंगे, आज की अगर सिचुएशन देखा गया, किसी घर में अगर से कोई पति अगर से कमा के लाता है ज्यादा पैसा, तो कैसे कमा के लाया, कहाँ से लाया, ये पत्नी नहीं पूछेगी, बस जितना ज्यादा आया वो रहने दो बोलेगी। लेकिन 12वीं शताब्दी के शरणी लोग ऐसे नहीं थे। तब ऐदिकी लक्कमा ने उनको याद दिला दिया कि आपको ये लोभ शोभा नहीं देता। उन्होंने वचन लिखा है, लोभ राजा को होना चाहिए, शरणों को नहीं। आपको लोभ की क्या जरूरत है, रोष यमदूत को होना चाहिए, जीवन जीने वाले इंसान को नहीं। इसी में मारेश्वर अमरेश्वर प्रिय अमरेश्वर बसे हुए यहां पर, मारैया प्रिय अमरेश्वर लिंग इसी में बसे हुए,
देखो कितना सुंदर बताया उन्होंने, वही अगर आज के जीवन का समय रहता तो वो लोग वहां पर उसे संचेत करते रखते थे और अपने पति को समझा भी नहीं थे। लेकिन तभी का तभी जब उन्होंने उनको रिटर्न जाकर वो जो ज्यादा चावल चुन के लाए थे वापस करने के लिए, इससे हम इस समय ये जो प्रसंग था, इस प्रसंग से हम हमारे जीवन में जो हमारे माता बहन लोग हैं हमारे जीवन में अपने जीवन में इस प्रसंग को ले सकती है, इससे उनका जीवन कभी भी सुखमय होगा। क्योंकि क्या होता है, देखो ज़्यादा खाओ तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और ज़्यादा खाओ तो वकील के पास जाना पड़ता है, लिमिट से ज़्यादा, राइट। अपने को जितना चाहिए उतना ही होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा पैसा गलत तरीके से कमाओगे, खाओगे, बीमारी आ जाएगी तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ज़्यादा पैसा कुछ कालाबाजारी करके कमाओगे तो इनकम टैक्स वाले आपके घर पर आ जाएंगे, तब फिर आपको कचहरी के चक्कर मारने पड़ेगा, वकील के पास जाना पड़ेगा। तो इस सबसे मुक्ति करने के लिए 900 साल पहले अयोध्या के लक्का माने जीवन जीने का तरीका बताया। ऐसे महान चरणी ने लिंगायत धर्म में बहुत बड़ा योगदान दिया। उसके बाद में जो श्रेणी आती है उन श्रेणी का नाम है कल्याणम। कल्याणम का जीवन बहुत ही संघर्षमय है। 12वीं शताब्दी के जो महान क्रांतिकारी, कल्याण क्रांति के जो पहले क्रांतिकारी, जीवन देने वाले बलिदानी जो थे, हरड़ैया क्रांतिकारी हरड़ैया, उनकी पत्नी शरणी कल्याणम। मैंने पहले ही बताया कि एक कार्य में पुरुष अगर आगे जाना चाहिए तो वहाँ पे स्त्री का उनके ऊपर में ये होना चाहिए, स्त्री के विचार उनके पास में रहना बहुत जरूरी है। बसवाना जी ने कल्याण में जो निचले वर्ग के लोग थे, जो शोषित लोग बोला जाता है या जो अस्पृश्य लोग बोला जाता है, उन अस्पृश्य लोगों को उन्होंने लिंग दीक्षा देकर लिंगायत बनाया। उसमें ये दाम्पत्य हरड़ैया और कल्याणम्मा दंपति थे। इस दंपति ने अपने जीवन में बसवत्व को आचरण किया। जब बसवन्ना जी ने एक जब हरड़ैया जी ने बसवन्ना को शरण बोला, उनको जब उन्होंने शरण शरणार्थी बोल के बसवन्ना जी ने हरड़ैया को रिपीट किया, तो एक शरण को उन्होंने शरण शरणार्थी बोला, उनकी इस विचार में जो रात पर नहीं सो पाए वैसे हरड़ैया को जब उनकी व्यथा को देखकर कल्याणम्मा ने उन्हें एक सुझाव दिया कि इस ऋण को अगर हमको निकालना है तो हमें बसवन्ना जी के लिए सुंदर जूते बनाना चाहिए। वो जूते कैसे, आम चमड़ी से बनाए ना। तब उन पति पत्नियों ने बैठकर शरणम्मा ने अपने दाएं जंघा का और कल्याणम्मा ने अपने दाएं जंघा का और हरड़ैया जी ने अपने बाएं जंघा का चमड़ी निकालकर बसवन्ना जी के लिए जूते बनाए। आप कल्पना कर सकते हो कि अगर हमको थोड़ा सा कहीं पर ठेस लग जाए या कहीं पर थोड़ी सी चमड़ी चला जाए तो हमारी जान गए जैसी हालत हो जाती है। उस समय में उन लोगों ने अपने जंघा की चमड़ी निकालकर जूते बनाए बसवन्ना के लिए। वो दृश्य क्या होगा, कुछ लोगों को ये काल्पनिक कथा लग रही होंगी। आज भी शरण हरड़ैया के बनाए हुए जूते गुलबर्गा जिला के एक गांव में अभी भी मंदिर में है। इसको कर्नाटक सरकार ने लाभ में ले जाकर चेक भी करवाया है। वो 900 साल पहले के जूते हैं। अपने ऋण निकालने के लिए अपने जीवन का बलिदान, अपने जीवन का त्याग देने का जो विचार है, उस टाइम में कल्याणम्मा ने हरड़ैया जी को दिया। उसी विचार की वजह से आगे चलकर मधुवरस जो ब्राह्मण जाति वाले थे उन्होंने लिंगायत धर्म की दीक्षा लेकर अपनी बेटी का विवाह कल्याणम्मा और हरड़ैया के बेटे शीलवंत से करने का विचार किया, जो अपने कायक से शमार थे।
तभी उनके विवाह, इनका विवाह के लिए सम्मति वहाँ पर अनुभव मंडप में रखी गई। उस अनुभव मंडप में वो पारित भी हो गया और उनका विवाह हो गया। उस विवाह के कारण सनातनी धर्म के लोगों में आग लग गई मन में, उन्होंने बिज्जल राजा के कान भरे और वहीं पर कल्याण क्रांति हो गई। तभी ये चरणों को वहाँ पे शिक्षा हो गई, उनकी आंखें फोड़ दी गई। तो ऐसे कल्याण क्रांति को जो कारणीभूत है, कल्याण क्रांति में जो योगदान देने वाली महिला है, ऐसी महिला थी कल्याणम। उसके बाद में जो महिला आती है उनका नाम है सत्यका। सत्यका का जो कार्य था वो झाड़ू लगाने का कार्य था, रोड पर इधर उधर सब जगह पर झाड़ू लगाने, साफ सफाई का उनका कार्य था। कोई कार्य यहाँ पर नीच नहीं होता है, कोई कार्य उच्च नहीं होता, कायक ही भगवान है, ये 12वीं शताब्दी में हमें समझाया गया। तो वैसी सत्य का भी अनुभव मंडप की सदस्य थी, वो बहुत कर्तव्यनिष्ठ थी, दिन भर अपना काम करके शाम में अनुभव मंडप में आया करती थी। उन्होंने बहुत से वचन लिखे, उसमें से 27 वचन आज भी उपलब्ध है। उन्होंने अपने वचनांकित नाम जो शंभुजय केश्वर नाम से लिखे हुए वो वचन एक रोड पर झाड़ू मारने वाली जो शरणी है, महिला है, उन्होंने वचन लिखे, इतना सुंदर उन्होंने वचन लिखा है। कन्नड़ा में मैं उस वचन को बताना चाहूंगा, उसके बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। पूजा विधि नियम वेल्ला धूप दीप नियम इल्ला, नियम यावदु पर स्त्री पर धन नोड़े नियम, यानी पूजा विधि नियम नहीं है, ऐसी पूजा करनी चाहिए, वैसा पूजा करना चाहिए, पूजा में ये होना चाहिए, धूप होनी चाहिए, अगरबत्ती होनी चाहिए, वो होना चाहिए, ये सब नियम नहीं है। आप पूजा कैसे भी कर सकते हो, नियम क्या होना चाहिए, व्रत क्या होना चाहिए, पर स्त्री को ना देखो ये व्रत आपके पास रहना चाहिए, पर धन को ना देखो ये व्रत आपके पास रहना चाहिए। कितना सुंदर विचार है। आज हम लोग थोड़ा सा कहीं पर बसवा तत्व देखकर या कहीं समाज में काम करके हम बोलते हैं नहीं नहीं हमने बसवा तत्व पालन किया, हमने बसवा तत्व पालन किया। नहीं, जब तक हम पर धन के ऊपर से पर धन पर स्त्री ये सब देखना बंद नहीं करेंगे, पर दैवत के ऊपर अपना ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक आपकी की हुई पूजा विफल है। इससे शंभुजय केश्वरा प्रसन्न नहीं होते, ऐसा उन्होंने सुंदर सा इस वचन में बताया। नहीं तो आज हम क्या कर रहे हैं, किसी भगवान ने उनकी कृपा प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, वहां पर जाकर पूजा करते हैं, ये करते हैं, वो पूजा करते हैं, वो चढ़ाते हैं, ये चढ़ाते हैं, नारियल फोड़ते हैं, पंचामृत चढ़ाते हैं, वो करते हैं, सब घी वो सब नष्ट करते हैं। लेकिन जो जीवन में हमारा जीने का जो तरीका है, परस्त्री के प्रति हमारा जो भाव है, पर धन के प्रति हमारा जो भाव है, वो हम उसको चेंज नहीं करते। आज भी जो 21वीं शताब्दी में बहुत से घटनाएं हुई, निर्भया, प्रियंका रेड्डी, ये क्यों है? क्योंकि हमने हमारे जीवन में बसव तत्व नहीं लाया। जब अगर हमारे जीवन में बसव तत्व होता है, उनकी जो विचार सरणी होती है, तो निर्भया जैसे किसी के ऊपर बलात्कार करने की हमारे मन में विचार नहीं आएंगे, प्रियंका रेड्डी के जैसे किसी आईटी स्टूडेंट के ऊपर बलात्कार करने के विचार हमारे मन में नहीं आएंगे। तो हमें बसव तत्व अपने जीवन में आचरण लाना है, ना कि पढ़ना नहीं है। तो उन्होंने सुंदर तरीके से बताया कि ये व्रत रखो आप। कोई लोग व्रत रखते हैं, सोमवार के दिन उपवास रखते हैं, मंगलवार को रखते हैं, कोई लोग खट्टा नहीं खाते, कोई लोग मीठा नहीं खाते हैं, कोई लोग एक टाइम खाना खाते हैं, कोई लोग फल खा के बैठते हैं, कोई लोग साबूदाना खा के बैठते हैं, ऐसा व्रत जरूरत नहीं है। जो महिला पढ़ी लिखी नहीं है, जिन्होंने 12वीं शताब्दी में बताया कि ये सब करने का जरूरत नहीं है, आप परस्त्री को देवता समान मानो, पर धन को उनका ही धन मानो, उनकी उसके ऊपर नजर ना रखो, यही व्रत आपके लिए जरूरी है बस। इतने सुंदर विचार 12वीं शताब्दी में शरणी सत्यका ने दिया हुआ। उन्होंने अपने जीवन में
ये भी बताया इस सत्यका जी ने कि स्त्री और पुरुष में भेदभाव क्यों है, क्योंकि मैं पहले ही बताया कि समानता, स्त्री पुरुष समानता ये लिंगायत धर्म का आत्मा है। समानता, हम स्त्री किसे बोलते हैं, पुरुष किसे बोलते हैं, इसके बारे में उन्होंने एक वचन लिखा हुआ है। स्तन केश आने से क्या हमें वो देखकर उन्हें स्त्री कहना चाहिए, या मिसी और दाढ़ी और मिसी आने के बाद क्या हमें उन्हें पुरुष कहना चाहिए? ये तो सिर्फ बाहर के लोगों की दृष्टि का भेद है, जानकार लोग इसे नहीं मानते हैं। इसी में समरस है हमारे शंभु जी के शिवलिंग, यानी किसी स्त्री का सिर्फ बाह्य रूप देखने से वो स्त्री और पुरुष है हमें बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम वचन और एक अद्य वचन का जड़ दास मैया जी ने भी कहा है कि गड्ढ मिसी बंदरे हंबरु, गड्ढ मली बंदरे हंबरु, मिडी मली बंदरे हंबरु, गड्ढ मिसी बंदरे गंडंबरु, उड़ी सुड़े आत्मा हिन्न इला गंड इला रामनाथ, यानी बाह्य रूप जो बाल ज्यादा आए या स्तन आए तो उनको हम स्त्री कहेंगे और मिसी आए तो उनको पुरुष कहेंगे, नहीं। जो अंदर जो ना जलने वाली और ना डूबने वाली आत्मा है वो पुरुष भी नहीं है, स्त्री भी नहीं है। ऐसे जड़ दास में बहुत सुंदर वर्णन किया है स्त्री पुरुष के बारे में। तो समानता, इसीलिए लिंगायत धर्म में पुरुष के ऊपर जितने संस्कार होते थे उतने ही संस्कार पूरे स्त्री के ऊपर होते थे, वहाँ पर उनमें फर्क नहीं था। जैसे स्त्री को पुरुष को लिंग दीक्षा दी जाती थी वैसी लिंग दीक्षा स्त्री को भी दी जाती थी। तो इतने सुंदर विचार, इतना जो जीवन जीने का तरीका है, 12वीं शताब्दी में शरणी आई सत्य कहने वो बताया हमने। उसके बाद में 12वीं शताब्दी में जो आंदोलन में शरणी आई उनका नाम था शरणी बोमता देवी। इस शरणी का सही में नाम निज देवी बोल के था। निज देवी है कश्मीर के जो राजा है भूपाल देव, उनकी बेटी थी। भूपाल देव यानी जो कल्याण में आकर मोड़ी के मारे बन गए, उनकी बेटी निज देवी। उन्होंने बसव तत्व का इतना गुणगान सुना था कश्मीर में, क्योंकि 12वीं शताब्दी में अनुभव मंडप में 170,000 जंगम थे। जंगम यानी जाति से जंगम नहीं, जो प्रचार और प्रसार करते थे लिंगायत धर्म का, प्रसार और प्रचार करते थे, उनको जंगम बुलाया था। तो उस 170 लाख जो जंगम थे, 170,000 जो जंगम थे, उन लोगों ने बस व कल्याण की जो महती है, अनुभव मंडप की जो महती है, देश देश के कोने कोने में फैलाई थी। उस महती की सुनकर कश्मीर के राजा की बेटी बोमता देवी कल्याण को आ गए। उनको निज देवी बोला जाता है। उनका अभी भी एक वचन मिला हुआ है जिसको उन्होंने बिडाड़ी नाम वचनांकित, उनका नाम है उसमें बिडाड़ी नाम से उनका वचनांकित है। वहां पर उन्होंने एक कथा मानी जाती है कि वो जब कल्याण आ रही थी, कल्याण आने से पहले रास्ते में उनकी परीक्षा लेने के लिए शिव ने एक सुंदर मदन रूप का धारण किया और उनसे शादी की मांग की, लेकिन वो इतने जिज्ञासु और ये अभ्यास पूर्ण थे कि उन्होंने उस रूप में भी शिव को पहचान लिया और उन्होंने बोल दिया, तुम्हें शादी करने की क्या जरूरत है, तुम्हारे सर के ऊपर गंगा है, तुम्हारे पास में पत्नी, तुम्हारी पत्नी है। तो एक कथा है, लेकिन उनके जो विचार थे इतने सुंदर विचार थे। उन्होंने समाज में समता के लिए एक सुंदर विचार लिखा, क्योंकि 12वीं शताब्दी में वर्ण व्यवस्था थी, तब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ऐसे अलग अलग वर्ण के लोग थे, तो एक वर्ण के लिए दूसरे वर्णों को अपने साथ में नहीं बिठाया करते थे। तब तो क्षुद्र और क्षत्रिय अस्पृश्य लोगों के जो गांव घर है गांव के बाहर रहा करते थे, उनको अलग से रहने के लिए दिया जाता था, उनको पास में आने नहीं दिया जाता, छुआछूत करने नहीं जाता था। उस टाइम में उन्होंने वचन लिखा, उन्होंने वचन ये लिखा कि जो जगह है, जो प्रदेश है, जो दुनिया है, गांव के बाहर भी वही दुनिया है, गांव के अंदर भी वही दुनिया है, ब्राह्मण भी उसी दुनिया में रहता है, अस्पर्श भी उसी दुनिया में रहता है। इस दुनिया को अलग अलग किसने किया, उस दुनिया में अलग अलग की दीवार किसने खड़ा की, हमने खड़ा की, इसे है मानते नहीं बिडाड़ी।
यानी ये दुनिया पूरी एक ही है। बसवण्णा ने भी उनके वचन में बहुत सुंदर कहा है, नेलवंदु हलगिरी शिवालय के जलवंदु शौच आचमन के, यानी नेल यानी जमीन, शिवालय के लिए भी वही जमीन है, और जो मारवाड़ा बोलते हैं, जो हम लोग मार लोग मार मांग लोगों के जो घर बोलते हैं, जो दलित बस्ती बोलते हैं, उसके लिए भी एक ही जमीन है। नीरवंदु शौच आचमन के यानी पूजा करने के लिए भी पानी वही है और शौच के लिए भी पानी एक ही है, पानी में तो भेदभाव नहीं है। फिर हम लोग इंसान इंसान में भेदभाव क्यों मानते हैं? 12वीं शताब्दी में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया, किसी इंसान इंसान में भेदभाव करना नहीं है हमको। तो इतने सुंदर तरीके से 12वीं शताब्दी में जो शरणियों ने लिंगायत धर्म के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया उन्होंने। उसके बाद में आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि बहुत से शरणियों के बारे में हमने बताया, जैसे बुद्ध के जन्म में, बुद्ध के समय में गौतम बुद्ध ने नृत्य की आम्रपाली को, उसका नृत्य का कार्य छोड़कर बौद्ध धर्म में दाखला दिया था। वैसे ही 12वीं शताब्दी में शरण बसवण्णा ने 1600 वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को शरणी बनाया था, सिर्फ उनको दीक्षा नहीं दी थी, उनका पुनर्वसन कैसे किया जाए उसके बारे में भी उन्होंने तब काम किया था। वैसे ही एक शरणी है शंखवा, उनका जो कायक था उसके उनको सूढ़ी बोला जाता था, सूढ़ी ये कन्नड़ा में बोला जाता था, सूढ़ी शंखवा बोल के वो प्रचलित है आज भी, तो हम सिर्फ उनको शंखवा बोलेंगे। शंखवा जो वेश्यावृत्ति का कार्य किया करती थी, लेकिन बसवण्णा के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने अपना जो वेश्यावृत्ति का जो कार्य है वो छोड़ दिया। उन्होंने वेश्यावृत्ति छोड़ने के बाद में उन्होंने लिंग दीक्षा लेकर एक देव उपासना का साधना कार्य किया। वो वेश्यावृत्ति में रहने के बाद भी उनके विचार इतने सुंदर थे कि वो अपने वचन में लिखती है, उन्होंने वचनांकित लिखा निर्लज्जेश्वर। देखो उनके नाम में ही उनका वृत्ति क्या है उस उनके वचनांकित में मालूम होता है सबको। तो उन्होंने जो वचन आंकित निर्लज्जेश्वर लिखा उसमें उन्होंने एक वचन लिखा कि जब हम दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेने के लिंग दीक्षा व्रत लेते हैं, उसके बाद में अगर से हम लोग दूसरा किसी की पूजा दूसरे कहीं पर जाएंगे लिंग छोड़कर, तो कार्य कैसा रहेगा? जैसे पत्नी अपने पति को छोड़कर पर पुरुष का संग करे, यानी वेश्यावृत्ति करे वैसा। यानी इसीलिए आज भी 12वीं शताब्दी से आज भी बोला जाता है एक देव उपासना में अपने हृदय का लिंग छोड़कर दूसरा किसी भगवान के याद करना या पूजा करना, पर पुरुषों का ध्यान करे जैसा। तो एक देव उपासना उस समय में उस स्त्री ने अपने विचारों के अंदर से प्रकट किया। तो ये योगदान था स्त्रियों का। आज के स्त्रियों का क्या योगदान है? आज के हमारी महिला है, हमारे बहन है, हमारी शरणियाँ हैं। आज भी स्कूल में जब हम देखते हैं, लड़कियां घर में विभूति धारण करती हैं, लेकिन जब स्कूल जाते हैं तो उनको विभूति धारण करने के लिए डर लगता है, लोग क्या पूछेंगे, ये मन में भय होता है। 12वीं शताब्दी में हमारी शरणियों ने अपनी जानें दे दी लिंगायत धर्म को बचाने के लिए, वचन साहित्य को बचाने के लिए। लेकिन मैं मानता हूँ कि बसव तत्व का प्रचार इतना जोर से होना शुरू हो गया सोशल मीडिया के माध्यम से कि आगे चलकर बहुत से जो हमारी बहनें हैं, शरणियाँ हैं, वो बसव तत्व का प्रचार करने के लिए आगे आएंगे, अपने जीवन में बसव तत्व का आचरण करेंगे। क्योंकि सिर्फ बसव तत्व घर में एक पुरुष करने से नहीं होता है, क्योंकि घर में जब बच्चे होते हैं तो पुरुष घर में नहीं होता है, पुरुष अपने काम के लिए बाहर जाता है, तब बच्चों को जो अपना धर्म के संस्कार है, बसव तत्व का जो आचरण है, वो महिला ही तो सिखाती है। इसलिए सबसे पहले महिला को बसव तत्व ज्ञात कर लेना चाहिए, लिंगायत धर्म क्या है उसके बारे में पता करना चाहिए। हमारे शरणियों ने 12वीं शताब्दी में बलिदान दिया, उस बलिदान के बाद में ही आज आपको समानता स्वतंत्रता मिलने लगा,
आज बहुत से महिलाएं आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर्स बल्कि स्पेस में भी जाकर आए। जो भारतीय मूल की पहली महिला थी सुनीता विलियम्स स्पेस में जाकर आ गई। तो ये सब अधिकार कहाँ से मिले? अगर 12वीं शताब्दी में शरण लोगों ने या बसवण्णा ने अगर से महिलाओं के लिए अपने घर त्याग नहीं किए होते, आंदोलन खड़ा नहीं किया होता, तो आज भी आप लोगों को फिर से घर में अपना चूल और मूल बोलते हैं मराठी में, यानी चूल्हा और बच्चा। चूल्हा यानी खाना पकाओ, बच्चा यानी घर संभालो, ये दो ही करना पड़ता था। आप लोगों को जो एजुकेशन के द्वार खोल दिए गए 12वीं शताब्दी में, उसके बाद में 18वीं शताब्दी में महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी धर्मपत्नी सावित्री देवी, क्योंकि उनको भी भूला नहीं जा सकता, क्योंकि 12वीं शताब्दी के बाद में फिर से लिंगायत धर्म के ऊपर सनातन धर्म हावी हो गया, फिर से महिलाओं के पूरे अधिकार चला गए। तब 18वीं शताब्दी में महात्मा ज्योतिबा फुले नाम के व्यक्ति ने पूना में पहली स्कूल निकाली, स्कूल पुरुष के लिए नहीं महिलाओं के लिए निकाली, और उस स्कूल में पढ़ाने के लिए पहले टीचर कौन थी? उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले। आज बहुत किसी के घर में विद्या की देवता के नाम पे सरस्वती का फोटो लगाया हुआ है। आप मानते हो, मुझे आपके जीव आपकी भावनाओं को हर्ट करना नहीं है, लेकिन आपकी जो विद्या की सही देवता है 12वीं शताब्दी की शरणियाँ है और 18वीं शताब्दी की सावित्रीबाई फुले है। सावित्रीबाई फुले जब लड़कियों को पढ़ाने जाती थी तो सनातनी ब्राह्मण लोग उसके ऊपर गोबर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे, फिर भी वो ऐसे कीचड़ अपने मन शरीर के ऊपर झेलते हुए स्कूल में जाकर फिर से उस कपड़े को धोकर पहनकर फिर से बच्चों को उसी गीले कपड़े में बच्चों को एजुकेशन दिया करती थी। उन्होंने जो त्याग दिया, उनकी त्याग की वजह से आज आप लोग इतने बढ़ पाए। आज के तारीख में आप पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगे हैं, आईटी सेक्टर में इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ बन गए। इनके पीछे उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, तो हम लोगों को उन लोगों को देवता मानना चाहिए, ना कि किसी फोटो में रखे हुए किसी। तो ये योगदान था उन शरणियों का। मुझे समय कम दिया था लेकिन मैंने बहुत सा समय ले लिया, क्योंकि जब बात करना शुरू करते हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं और किधर जा रहे हैं, टॉपिक बढ़ते जाता है। तो मैं यहाँ पर मेरे जो आयोजक मित्र शरण लोग हैं, उन लोगों ने मुझे जो ये अवसर प्रदान किया और लाइव के माध्यम से जितने भी लोगों ने ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उन सभी को मैं मेरी तरफ से शरणों शरणार्थी कहता हूँ। आप सभी से एक ही विनंती और निवेदन है, अगर आपको अच्छा लगे तो जो भी विचार मैंने बताया, जिस महिलाओं ने जो बलिदान किया हुआ है धर्म के लिए, उनके विचार आपके घर में आपकी बेटी को, आपके बहन को, अपनी पत्नी को, माता को समझाओ, क्योंकि जब स्त्री सशक्त होती है तभी घर सशक्त होता है, घर सशक्त हुए तो समाज सशक्त होता है, और जब समाज सशक्त होता है तो देश सशक्त होता है और देश की प्रगति होती है। इसलिए देश की प्रगति के लिए पहला जो स्टेप है स्त्री सशक्त होना, स्त्री प्रगत होना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक ये लोग ये पुराण उसमें से बाहर आकर बसव तत्व और क्रांतिकारी लोगों के इतिहास नहीं पढ़ेंगे, उनके विचार जीवन में नहीं लाएंगे, तब तक हम कभी भी सशक्त और प्रगति पर हो नहीं सकते। इसलिए अंधश्रद्धा ये सब चीज़ों को छोड़ो, विज्ञानवादी युग है, विज्ञान की कसौटी पर जो भी चल सत्य है उसको एक्सेप्ट करके अपने जीवन बिताने का प्रयास करो। आज फिर से एक बार ये बसु जयंती के निमित्त पर जो व्याख्यान रखा था, उस बसु जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज महामानव मानवतावादी गौतम बुद्ध का भी जयंती है, फिर से सभी को बुद्ध जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज बसवण्णा के जो अंगरक्षक बोला जाता है और बसवण्णा के एकदम साथ में रहने वाले शरण हड़प्पा दप्पण्णा की भी जयंती है, तो उनको उनकी जयंती भी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों ने समय देकर जो ये सब देखा, आप सभी को मेरी तरफ से अनंत शरण शरणार्थी। कुछ गलत वर्ड है कुछ हो गया तो
बसवेश्वर कीर्ति ची कीर्ति ची कीर्ति ची कीर्ति ची बसवेश्वर कीर्ति ची बीज कड़कली लिंगायत धर्माची ध्वजा फडकली लिंगायत धर्माची ध्वजा फडकली।